नमस्कार, मैं शुभानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सिविल कोर्ट ने कुल इतने रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। आज मनाई जा रही है विश्वकर्मा पूजा। बिहार में अक्टूबर से घटेगा बालू का दाम। बिहार के 87 डिग्री कॉलेजों ने सरकार से की मान्यता देने की मांग। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा मना रही है सेवा पखवाड़ा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सिविल कोर्ट ने कुल इतने रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। बिहार के डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के लिए विभिन्न पदों जैसे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर और प्योन ऑर्डरली के कुल मिलाकर 7692 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को क्लास 10th या बैचलर डिग्री पास होने के साथ इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट districts.ecourts.gov.in या पटना पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज मनाई जा रही है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस बार भी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर शनिवार को मनाई जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन जगत के पहले शिल्पकार वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोग अपनी फैक्ट्री संस्थान में पूजा करने के अलावा औजारों और मशीनों की भी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के अस्त्र शस्त्र भवन पुष्पक विमान और स्वर्गलोक का निर्माण किया। यही वजह है कि आज यानी 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। हमें मिली जानकारी के अनुसार आज विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:27 से लेकर दोपहर के 1:30 तक अति विशिष्ट है। इस अवधि में पूजन और संकल्प फलदायी माना गया है। जल मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है पावापुरी का जल मंदिर। नालंदा का पावापुरी भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के लिए विख्यात है। यह मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अति पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जल मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। जल मंदिर कमल के साथ खिलने वाली झील के बीच में एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान महावीर की बहुत पुरानी चरण पादुका रखी गई है। मंदिर के अंदर भगवान महावीर और उनके शिष्यों के पैरों के निशान हैं। इस मंदिर के शांत एवं मनोरम वातावरण मन को भाव विभोर कर देती है। बिहार में अक्टूबर से घटेगा बालू का दाम। बिहार राज्य के सभी जिलों में जल्द ही बालू खनन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस दौरान 28 जिलों में करीब 900 बालू घाटों से अक्टूबर में बालू खनन का कार्य होगा। करीब 3 महीने के बाद वापस नदियों से बालू खनन प्रारंभ करने की दिशा में विभाग ने कवायद प्रारंभ कर दी है। वहीं सरकार को यह भी उम्मीद है कि 28 जिलों में एक साथ बालू खनन प्रारंभ होने से जहां राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। विभाग ने जिलों को बालू खनन को लेकर बंदोबस्त के अधिकार सौंपे हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जिले इस कार्य को सितंबर महीने के अंत तक पूरा कर लें और घाटों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट राजस्व का आकलन करते हुए बंदोबस्ती करें। बता दें कि मई 2022 तक कोर्ट के आदेश पर केवल 16 जिलों में करीब 435 बालू घाटों से खनन हो रहा था। बेगूसराय गोलीकांड पर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बेगूसराय गोलीकांड पर पुलिस ने बीते दिन बड़ा खुलासा किया है। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि जांच में प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने दहशत फैलाने के मकसद से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान केशव उर्फ नागा, सुमित, चुनचुन और युवराज के रूप में हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल 2 बाइक को जब्त कर लिया है और 2 दोषी पिस्टल जिसका उपयोग किया गया था बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। बेगूसराय में मंगलवार शाम करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच करीब 30 किलोमीटर के दायरे में बाइक सवार बदमाशों ने अलग अलग जगह पर गोलीबारी की थी। इसमें 11 लोगों को गोली लगी जिसमें एक की जान चली गई।
नौकरी पर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 60,000 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने यह घोषणा भोजपुर के कोइलवर में किया। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। अब तेजस्वी ने बड़ी घोषणा करते हुए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 60,000 नौकरी देने की घोषणा की है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम बालक महतो की। बिहार में जन्मे राम बालक महतो बिहार राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत महाधिवक्ता और नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार थे। 1937 में अब तक केवल 20 महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं और इनमें से राम बालक महतो को 6 बार नियुक्त किया गया था, जो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महाधिवक्ता बन गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार दोनों की सेवा की और पहली बार वर्ष 1980 में इस पद पर नियुक्त हुए। वह बिहार के 6 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान प्रतिष्ठित पद पर बने रहे। अक्टूबर 2020 में 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा मना रही है सेवा पखवाड़ा। आज यानी 17 सितंबर को वर्तमान और भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज से सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जो कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस तिथि में सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, कुछ स्थानों पर मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। दिव्यांग लोगों को समाज के विभिन्न लोगों के साथ मिलकर उन्हें उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। टीबी से ग्रस्त मरीजों को गोद लेकर उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। बिहार का पहला मानसिक अस्पताल का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन शुक्रवार को कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और जन संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। बताते चले कि कोइलवर मानसिक अस्पताल बिहार का पहला मानसिक अस्पताल है। झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार में एक भी मानसिक अस्पताल नहीं था। इसे 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जहां 272 बेड उपलब्ध होंगे। बता दें कि बीते दिन सड़क मार्ग से पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अस्पताल का उद्घाटन किया। यहां खाना पीना सैलून जैसी सभी चीजों की सुविधा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। बिहार में अभी होती रहेगी बारिश। बिहार में मॉनसून मेहरबान है। मॉनसून की यह बारिश किसानों के लिए अमृत वर्षा के रूप में साबित हो रही है। किसानों के धान की फसल के साथ साथ आगामी रबी फसल के लिए भी उतना ही लाभदायक है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को आग उगलती गर्मी से राहत भी जरूर मिली है। मौसम विभाग पटना के मुताबिक अच्छी बारिश के लिए जरूर ट्रफ लाइन बिहार पर मेहरबान है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार में यह ट्रफ लाइन लगातार आ और जा रही है। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि बारिश का विस्तार पूरे प्रदेश में है, इससे प्रदेश में बारिश की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश की खेती के लिए यह बारिश अमृत बारिश के रूप में साबित हो रही है। यह बारिश प्रदेश में अभी जारी रहेगी। नहीं रहे आकाशवाणी केंद्र पटना के बटुक भाई। आकाशवाणी केंद्र पटना के बटुक भाई का निधन हो गया है। बटुक भाई दरअसल इनके किरदार का नाम था। उनका असल नाम छत्रानंद सिंह झा था। छत्रानंद सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। रेडियो के शौकीन लोग उनसे भली भांति परिचित होंगे। छत्रानंद सिंह आकाशवाणी पटना के चौपाल कार्यक्रम में वे प्रमुख पात्र बटुक भाई के किरदार में थे और यही वजह है कि छत्रानंद सिंह को उनके असली नाम से ज़्यादा उनके किरदार वाले नाम बटुक भाई के नाम से जाना जाता है। बटुक भाई फिलहाल पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते थे। परदेशियों को हज के लिए हज समिति ने दी ये सुविधा। बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी भी हज के लिए बिहार से आवेदन कर सकते हैं। दरअसल बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष अब्दुल हक ने कहा कि हज 2022 के लिए बिहार बाहर रहने वाले बिहार के निवासी राज्य हज समिति के माध्यम से हज आवेदन ऑनलाइन करने की प्राथमिकता दें। समिति का कहना है कि बिहार के निवासी नौकरी रोजगार और अन्य वजहों से दूसरे राज्य में रहते हैं और वहीं से हज के लिए आवेदन करते हैं। वहीं अन्य राज्यों में लॉटरी के माध्यम से आवेदकों का चयन किया जाता है। ऐसे में बिहार के कई इच्छुक हज आवेदकों का चयन नहीं हो पाता है।
बीपीएससी ने सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा को लेकर जारी की अहम नोटिस। बीपीएससी ने सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भर्ती के लिए मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अहम नोटिस जारी की है। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए 21 सितंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। विस्तृत जानकारी के लिए आप आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जा सकते हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया है कि 8 और 9 नवंबर 2022 को यह परीक्षा संचालित किया जाना संभावित है। हालांकि अपरिहार्य कारणों से यह तिथि बदली जा सकती है। बिहार के 87 डिग्री कॉलेजों ने सरकार से की मान्यता देने की मांग। बिहार के ऐसे 87 डिग्री कॉलेज हैं जिन्होंने बिहार सरकार से मान्यता देने की मांग की है। इसके लिए इन कॉलेजों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया है। आपको बता दें कि राज्य में स्नातक शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राज्य के 87 डिग्री कॉलेजों ने संबद्धता हासिल करने के लिए शिक्षा विभाग को आवेदन किया है। वहीं कॉलेजों की संबद्धता लेने के संबंध में राज्यपाल एवं कुलाधिपति कार्यालय के दिशा निर्देश एवं न्यायाधीश के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर शिक्षा विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। IRCTC कराएगा स्वदेश दर्शन। बिहारवासी अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हो सकती है। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहली बार बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की योजना बनाई है। स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन 10 अक्टूबर को दरभंगा से खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकते हुए सभी तीर्थ स्थलों को दर्शन कराकर वापस 20 अक्टूबर को दरभंगा लौटेगी। इन तीर्थ स्थलों में उज्जैन, द्वारिका, सोमनाथ, शिरडी एवं नासिक के तीर्थ स्थल का दर्शन कराएगी। ट्रेन में 2 श्रेणी रखी गई है, जिसमें स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले प्रति व्यक्ति से 18,450 रुपये, जबकि एसी क्लास 3 में यात्रा करने वाले प्रति व्यक्ति से 29,620 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इस संबंधी विस्तृत जानकारी एवं बुकिंग के लिए IRCTC के वेबसाइट पर या दिए गए दूरभाष संख्या जो आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब इंस्पेक्टर को दिया जाएगा हथियार की जांच का प्रशिक्षण। अब बिहार के इंस्पेक्टर को हथियार व कारतूस की जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल बिहार पुलिस जब्त हथियारों और कारतूसों की जांच के लिए अपने इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को ट्रेंड करेगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में सार्जेंट मेजर रैंक में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP और SP को आदेश दिया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 7 दिनों के अंदर अपने जिले में तैनात 2 पुलिस निरीक्षकों का नाम सेवा विवरणी के साथ भेजें। ऐसे इंस्पेक्टरों को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष से अधिक है। सुशील मोदी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा राहुल गांधी ने सारे मोदी को बताया था चोर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी बीते दिन राहुल गांधी और रामानंद यादव के मामले में पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर है, उन्होंने मोदी टाइटल वाले सभी लोगों को चोर बताया था। सुशील मोदी ने कहा कि मेरा भी टाइटल मोदी है और उनके इस बयान के बाद मैं कहीं भी बाहर निकला तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी के इस बयान से मेरी प्रतिष्ठा को आहत हुई है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मुकदमे से आज दूसरी बार सुनवाई थी। नीतीश के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों कहा था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वे बिहार समेत अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 11 सीट पर चुनाव लड़ने वाले अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम बात कर रहे हैं विशेष राज्य की, जो बात खत्म हो गई। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार बिहार को अलग से कई योजनाओं के लिए 81,000 करोड़ की राशि देती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री उसको नहीं लेंगे और काम के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी। नीतीश कुमार को उस पर काम करना चाहिए, लेकिन सीएम बिहार को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। अगले महीने पीएम मोदी आ सकते हैं बिहार। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने जानकारी दी है कि अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि बेगूसराय के हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के फर्टिलाइजर प्लांट से यूरिया का उत्पादन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ौनी फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया था।
उस दौरान पीएम मोदी ने बेगूसराय में रैली को संबोधित किया था। अब नीतीश एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। उनका यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। बिहार के अस्पतालों को तेजस्वी यादव ने दिए कुल 17 टास्क। बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से तेजस्वी यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार के अस्पतालों का निरीक्षण कर असुविधाओं को देखते हुए अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के अस्पतालों को गिनकर 17 टास्क दिए हैं। सौंपे गए कार्यों की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मुख्यालय के स्तर पर होगी। मॉनिटरिंग की टीम विभाग के प्रमुख को प्रतिदिन की अद्यतन रिपोर्ट से अवगत कराएगी। इन टास्कों में जिला अस्पतालों को सातों दिन 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं को चालू रखने से की व्यवस्था सुनिश्चित कराने से लेकर दवाओं के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानी होगी। भाजपा का आरोप, बिहार में उर्वरक की कृत्रिम कमी पैदा की गई है। बिहार में उर्वरक की किल्लत की सूचना के बीच केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बीते दिन राजधानी पटना में ये दावा किया है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में उर्वरक की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया है कि राज्य में उर्वरकों की कृत्रिम कमी पैदा की गई है। यही नहीं, भगवंत खुबा ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के बिचौलियों से हाथ मिलाने के कारण यह हाल हुआ है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में जितनी उर्वरक की जरूरत है उससे ज्यादा केंद्र ने आपूर्ति की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन 1956 में हुआ। भारत और सिलोन यानी श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 1982 को खेला गया। भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो कांगो के शांति मिशन पर 2006 में रवाना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में क्यूबा के अस्वस्थ राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो से मुलाकात की। मशहूर भारतीय कलाकार गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म भी आज के दिन 1767 को हुआ था। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी में से एक वामन राव बलिराम लाखे का जन्म 1872 में हुआ था। भारतीय शिक्षा शास्त्री अमर चित्र कथा के संस्थापक अनंत पै का जन्म 1929 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध वायलिन लालगुड़ी जयरमन का जन्म 1930 में हुआ। भारतीय आध्यात्मिक नेता भक्ति कारु स्वामी का जन्म 1945 में हुआ। भारतीय राजनेता और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का जन्म 1986 में हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे संजू सैमसन। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भारतीय ए टीम का कप्तान बनाया गया है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज खेलेगी। भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 22 सितंबर से हो रही है। 25 सितंबर और 27 सितंबर को दूसरा और तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। स्क्वाड में पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक जैसे स्टार खिलाड़ियों का भी नाम शामिल है। इसी सप्ताह के शुरुआत में भारत ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की घोषणा की थी जिसमें संजू सैमसन का नाम रिजर्व तक में नहीं शामिल किया गया। दाएं हाथ का यह बल्लेबाज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा। फैंस स्क्वाड में उनका नाम ना देखकर काफी निराश थे। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे वोट नहीं करने पर कटने वाले रुपयों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वोट नहीं देने पर अकाउंट से कटने वाले रुपयों के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से 350 रुपये काट लिए जाएंगे। पीआईबी ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इलेक्शन कमीशन द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी भ्रामक खबरों को शेयर ना करें। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 58 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 454 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बांका, बेगूसराय, भागलपुर में 1, गया और कैमूर में 2, कटिहार और किशनगंज में 1, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर और नालंदा में 2, पटना में 30, पूर्णिया रोहतास में 1, शेखपुरा में 3, शिवहर और सुपौल में 2, सीतामढ़ी और वैशाली में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 1 मामले ऐसे मिले हैं जो दूसरे राज्य के हैं लेकिन सैंपल बिहार में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 86,161 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 95 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संतोष कुमार गोंड, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, शुभम कुमार, निकी सादरे आलम, अनवर करीम खान, मोहम्मद आलम, गोरखनाथ सिंह, हरे राम झा, ऋषि कुमार, सुनील कुमार और मृत्युंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र का ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे इंग्लिश में फोक सॉन्ग भी कहते हैं, वो आपका मनपसंद हो। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।